हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूनिट क्या है, एयर कंडीशनर यूनिट क्या है, उसके अंदर जो टेक्नीशियन वर्क होता है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम तीन स्टेप्स में बात करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम कैसे जो हमारा एयर कंडीशनर होता है उसके अंदर कैसे हम लीकेज को फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड में हम करेंगे कैसे हम उसके अंदर जो हमारी गैस है उसको कैसे हम वैक्यूमाइजेशन करते हैं ताकि उसके अंदर कोई मोशन ना हो। थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि हमें उसके अंदर न्यू गैस चार्जिंग करनी है, यानी कि न्यू गैस हमें उसके अंदर सप्लाई करनी है, कैसे हम करते हैं। तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों, आप समझते हैं कि कैसे हम किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर लीकेज को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी हमें किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर लीकेज को फाइंड आउट करना होता है तो उस केस में हमें ज़्यादातर हम तीन इंस्ट्रूमेंट या तीन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली। तो जो उसमें फर्स्ट लिस्ट में आता है वो होता है हमारा गॉज मैनिफोल्ड, दूसरा होता है नाइट्रोजन गैस, तीसरा होता है हमारा हैक्स की। ठीक है, अगर ये तीनों इक्विपमेंट आपके पास हैं तो आप आसानी से किसी भी एयर कंडीशनर का लीकेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो हमारा गॉज मैनिफोल्ड होता है वो इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, ये जो होता है इसको हम लो प्रेशर लाइन कहते हैं, और जो बीच का जो येलो होता है इसको हम कॉमन लाइन कहते हैं, जो रेड होता है इसको हम हाई प्रेशर लाइन कहते हैं। ये हमारा हैक्स की होता है, ये हमारा नाइट्रोजन गैस होता है। इन तीनों इक्विपमेंट की मदद से हम किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर लीकेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना पता होना चाहिए, जब भी हम किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर लीकेज हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम नाइट्रोजन गैस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसी वजह से हम ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस को ही यूज़ करते हैं। और ये भी पता होना चाहिए आपको, जो हमारा एयर कंडीशनर सिस्टम होता है उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट या गैस होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो हमारे कंडेंसर में स्टोर होती है। जबकि जो बहुत बड़ी मशीन होती है उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको हम बाद में स्टोर करते हैं, पहले उसको इंस्टॉल करते हैं फिर बाद में हम वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो जब भी हम लीकेज को डिटेक्ट करना होता है तो हमें एकदम नाइट्रोजन गैस को ओपन नहीं करना है, धीरे धीरे स्योरली उसको ओपन करना है। पहले 50 PSI पे जाएंगे, फिर 100 पे, फिर 150 पे, 200 पे, 250, ऐसा है अकॉर्डिंग टू जितना उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर है, उससे हमें कि 25% एक्स्ट्रा इसका नाइट्रोजन गैस का प्रेशर रखना होता है। तो अब हमारे पास तीनों इक्विपमेंट हैं, तीनों इक्विपमेंट की मदद से हम इसको कनेक्शन करेंगे, कैसे हम कनेक्ट करते हैं इसको और कैसे हम लीकेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, गेज मैनिफोल्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा ये आउटडोर यूनिट दिया हुआ है। आउटडोर यूनिट में ये जो ब्लू लाइन होती है इसको हम लिक्विड लाइन भी कहते हैं, और यहाँ पे हमारे दो सर्विस वॉल्व होंगे, एक को हम लिक्विड सर्विस वॉल्व कहते हैं, दूसरे को हम सक्शन सर्विस वॉल्व कहते हैं। जो सक्शन सर्विस वॉल्व होता है उसमें रेफ्रिजरेंट वेपर की फॉर्म में एवोपरेटर से हमारे उसमें कंप्रेसर में आता है, और जो लिक्विड होता है, लिक्विड लाइन होती है, उसमें रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड की फॉर्म में आउटडोर से इंडोर में जाता है। ठीक है, तो ये दो सर्विस वॉल्व होते हैं। अब इसका कनेक्शन हम समझते हैं, कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पता है जो हमारा लिक्विड, जो हमारा लो प्रेशर मैनिफोल्ड गॉज होता है ये वह ब्लू, इसको हमें कनेक्ट करना होता है। किससे कनेक्ट करना है, इसको हमें कनेक्ट करना है अपने हमारा जो सर्विस वॉल्व होगा उससे कनेक्ट करना है। तो ये हमारे यहाँ पे इस पर इसको कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा हैक्स की होती है, हैक्स की उससे पहले तो इसको लूज़ कर देना है, फिर नीचे इसमें सर्विस बॉल में आपको कनेक्शन पॉइंट मिल जाता है, उसको वहाँ पे आके कनेक्ट कर देना है। फिर इसको कनेक्ट करने के बाद आपका जो कॉमन लाइन होती है, कॉमन लाइन को इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कनेक्ट कर देना है हमारा जो नाइट्रोजन गैस सिलेंडर होता है उससे कनेक्ट करना है। उससे कनेक्ट करने के बाद हमारा जो हाई प्रेशर लाइन होता है गॉज मैनिफोल्ड का, उसको कनेक्ट कर देना हमें किससे, उसको हमें कनेक्ट कर देना है हमारे अपने लिक्विड सर्विस वॉल्व पर कनेक्ट कर देना है। फिर अब इसको कनेक्ट करने के बाद हमें वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, वॉल्व को ओपन करना है और क्लोज करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमें ओपन करना होता है हमारा जो सक्शन लाइन सर्विस वॉल्व होता है, सबसे पहले हमें उसको ओपन करना है, यानी इस वाले वॉल्व को हमें धीरे से ओपन कर देना है। फिर उसके बाद हमारा जो लिक्विड लाइन सर्विस वॉल्व होता है फिर उसको हमें ओपन करना है जो ऊपर होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम हमारा जो
लो प्रेशर मैनिफोल्ड गोज होता है उसको क्या करना है हमें क्लोज करना है, यानी इस वायर को हमें क्या करना है यहाँ से क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के बाद जो हमारा हाई प्रेशर मैनिफोल्ड गोज का जो वॉल्व होता है इसको हमें क्या करना है ओपन करना है। इसके बाद ओपन करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं जो हमारा नाइट्रोजन गैस सिलेंडर होता है उसको धीरे धीरे ओपन करते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्प उसके प्रेशर के हिसाब से। धीरे धीरे हमें क्या करना है स्लोली स्लोली इसको ओपन करना है और इसका प्रेशर हमें इतना रखना है कि जितना हमारा रेफ्रिजरेंट है इसके अंदर उसके प्रेशर से हमें क्या करना है 25% एक्स्ट्रा प्रेशर रखना है हमें अपने नाइट्रोजन गैस का। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं हमारा जो सॉप सॉल्यूशन है लेना है कोई भी शैम्पू हो या कोई साबुन का कोई भी सॉल्यूशन हो इसके जितने भी जॉइंट होंगे यहाँ पे पाइप के इन सब जॉइंट्स पर हमें क्या करना है सॉप सॉल्यूशन डालना लीकेज को फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से हम जो कंडेंसर है उस पर भी हम जॉइंट को देख सकते हैं और जो हमारा एवोपरेटर के जो कॉइल होती है उस पर भी हम सॉप सॉल्यूशन से उस जॉइंट को चेक कर सकते हैं। जहाँ पे भी वो लीकेज होगा वो हमें बबल्स की फॉर्म में वहाँ पे हमें डिटेक्ट हो जाएगा उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होगा लीकेज है फिर उसको हमें क्या करना है जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी एयर कंडीशनर में लीकेज को फाइंड आउट कर सकते हैं।